जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को साथ में देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। आज हम 5 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। देखिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो पीडीएफ और बाकी वीडियो अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सभी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हर रोज की तरह सबसे पहले तो एमसीक्यू जो है वो आपके सामने हाजिर है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि वॉल्केनोज जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो टेक्टोनिक प्लेट डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस होता है वहीं पर पाए जाते हैं। दूसरा है कि इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो हमें बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। तो अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर आपको वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इंडियन एक्सप्रेस पर नजर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन नजर आ रहा है और इसमें जो पहला एडिटोरियल है मतलब हरियाणा कोटा, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है ये कितने हद तक सही है और इसका परिणाम जो है वो क्या हो सकता है, जो हरियाणा में कोटा मतलब प्राइवेट जो कंपनीज है उनके लिए जो लागू किया गया है या फिर उनके लागू करने की जो बात की गई है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और एडिटोरियल है जीरो सम बिल, तो इन दोनों को कंबाइंड करके हम देखेंगे और इसके बाद अगर आगे इस पर कोई भी चर्चाएं होती है, इस पर कोई भी बातें होती है तो उसके बारे में हमें नजर जो है वो नहीं डालनी पड़ेगी क्योंकि आज हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को पूरी तरह कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि हम काफी सारे जो चीजें हैं उनको बेसिक से कवर करते हैं और फिर आगे जब आती है तो उसको कवर करने की जरूरत नहीं रहती है। फिर उसके बाद ये वाला जो एडिटोरियल है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है ये होम लोन रेट जो है क्यों गिर रहे हैं, अभी अगर घर लेना है तो बात अलग बात है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पार्टली फ्री मतलब अभी जो डेमोक्रेसी है वो हमारी किस तरीके से चल रही है, भारत जो है वो क्या पूरी तरीके से फ्री है, पार्टली फ्री है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा जो है वो की गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस वैक्सीन जो है उसकी इफिकेसी के बारे में बताओ, ये करो वो करो जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कोई मतलब नहीं है। ये वाला भी एडिटोरियल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगर हम बात करते हैं क्राइम एंड कॉन्टेक्स्ट, अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा जो एक निर्णय बोला गया है, निर्णय नहीं बोल सकते लेकिन एक जो चीज़ बोली गई है कि जब रेप हुआ तो उसके बाद जो जिसने रेप किया उसको बोला गया कि क्या तुम उस विक्टिम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो, तो कल हमने उसके बारे में चर्चा की थी। मतलब 4 मार्च का जो एनालिसिस है वो आप देख सकते हो, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की हुई है, अच्छे तरीके से उसमें मैंने चर्चा की हुई है, तो और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इट टेक्स टू मेक पीस, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान जो है उसके पीस के बारे में बात की जा रही है। अभी आपको पता है कि वहाँ पर LOC जो है वहाँ पर हम कोई भी दंगे वंगे नहीं करेंगे, LOC को सही तरीके से रखेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में हमने देखा है जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो पास किया गया था दोनों ही कंट्रीज़ की तरफ से। यहाँ पर बोला गया है कि हाँ हम पीस हारमोनी जो है मेंटेन करने की कोशिश, ये सब बात की गई। अब अगर हम देखते हैं तो इस बारे में हमने चर्चा की भी है। अब ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें क्या अलग से बताया गया है, मतलब इसमें कुछ सजेशन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं जो हम यहीं पर देख सकते हैं, मतलब उसको सेपरेटली देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले 4 पॉइंट जो है वो बोले गए हैं जो यहाँ पर किए जाने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि मोदी जी जो है उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद ट्रैवल करना चाहिए सार्क समिट के लिए। सार्क आप सभी को पता है और पाकिस्तान जो है वो भी इसमें शामिल है, इसलिए सार्क को नज़रअंदाज जो है वो किया जा रहा है, काफ़ी मीटिंग जो है उसकी कैंसिल कर दी जाती है क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जाती है पाकिस्तान के द्वारा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो जाती है जिससे कि हम वो समिट जो है उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उसी से रिलेटेड बिम्सटेक जो है वो हमें देखने को मिलता है, है ना, जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं वो की जा रही है। लेकिन कई सारे एडिटोरियल्स हमने ऐसे कवर किए हैं जहाँ पर हमने देखा है कि जो सार्क है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम जो यहाँ पर पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों ही तरफ से रेसिप्रोकेशन इफेक्ट जो है वो रहना चाहिए। सबसे पहले तो मोदी जी जो है सार्क समिट यहाँ पर उन्होंने जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी जी ने जो हमारे आर्मी चीफ जनरल है
ठीक है, नरवाने साहब, उनको भी यहाँ पर मतलब इनवाइट करने के लिए बोलना चाहिए पाक COAS, ताकि इंडिया में विजिट करें। ये अलग अलग देशों में विजिट किए हैं, तो अब अगर इंडिया में विजिट करने को बोलते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं रहना चाहिए। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर तो इंडियन पर्सपेक्टिव से हो गया, लेकिन पाकिस्तान जो उन्होंने भी क्या करना चाहिए, पाकिस्तान ने भी यहाँ पर जो सपोर्ट है टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल भी टेररिज्म को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इंडिया अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने भी यहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायोलेशन है कश्मीर में उसको खत्म कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखते हैं, दोनों ही कंट्रीज जो उन्होंने ज्वाइंट यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए 75th एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम इन 2022। अब यहाँ पर बोला गया है कि इससे जो गांधी जी है और जिन्ना है दोनों ही यहाँ पर खुश हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स है ये देखने को मिल रहे हैं, सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, और इनके में से कुछ सजेशंस जो है, अब यहाँ पर पॉलिटिकल सजेशंस हटाने के बाद जो सजेशन आपको देखने को मिलते हैं ये आप आपके आंसर राइटिंग जो है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद ये अगर हम देखते हैं टैली ऑफ द वॉल, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला एडिटोरियल जो है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो द हिंदू में अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो है ये हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगेन जो इफिशियंसी है, इफिकेसी, उसके बारे में बात की जा रही है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो बिडेन है, इंडिया न्यू टेम्पलेट, अब देखिए बिडेन जो है इंडिया के साथ रिलेशन, इंडिया बिडेन आने के बाद इंडिया जो है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसमें क्या किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे एडिटोरियल जो है वो कवर किए हुए हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, नॉट सो स्टिलर इन प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, अब यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, बात यहाँ पर दो जो निर्णय है उसके बारे में की जा रही है। पहला जो निर्णय यहाँ पर एक्विंटल ऑफ जर्नलिस्ट प्रिया रमणी का जो भी केस है वो हमने ऑलरेडी सेपरेट इसमें भी कवर किया हुआ है, मतलब सेपरेट वीडियो जो है वो भी अवेलेबल है। अगर आप डालोगे प्रिया रमणी बाय मयूर मोगरे तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा, उसमें आप सारी ही जो डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, जो GS पेपर 2 रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है सब वहाँ पर आप देख सकते हो। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो दिशा रावी, तो इनका भी जो केस है वो भी कवर किया हुआ है हमने, ये भी आप देख सकते हो, जहाँ पर बेंगलुरु में अरेस्ट की गई थी, है ना, सेडिशन के चार्जेस पर। तो इसमें हमने सेडिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में कवर किया था। तो ये दोनों ही जो केसेस हैं हमने अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं, इसीलिए इसको फिर से कवर करने में कोई मतलब नहीं है। देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेक्चर देखते हो उसके बाद आप जो PDF है वो रिवाइज किया कीजिए, क्योंकि आपको याद रहेगा कि हाँ हमने क्या किया था। यहाँ पर जो सीरियस एस्पिरेंट है उन्होंने क्या करना चाहिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो डिफेमेशन केस उसको याद करना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। देन उसके बाद यहाँ पर सेडिशन वाले में याद करना चाहिए क्या क्या सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन सबको याद करना चाहिए। देन उसके बाद अगेन वीडियो को रिज्यूम करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ज़रूरी क्या होता है कि जो हमने पास्ट में किया हुआ है उसको हम रिकॉल करते रहे, क्योंकि जब हम रिकॉल करते रहेंगे तभी तो हम आगे की चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। देन उसके बाद वेस्ट बंगाल जो है टिल्ट, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंडिंग द वॉर इन येमेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर किया जाना चाहिए, नीड ऑफ द आवर क्या है येमेन जो है उसके वॉर को खत्म करने के लिए। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल एडिटोरियल देखने को मिलते हैं और कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर हम आज के टॉपिक्स देखते हैं तो हमें हरियाणा कोटा कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ये यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं डिटेल में। देन इंडिया जो है नाउ पार्टली फ्री, इंडिया पार्टली फ्री है, ये यहाँ पर हम कवर करेंगे। देन उसके बाद येमेन में जो वॉर है उसको खत्म करने की कोशिश, ये हम देखेंगे। देन यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 के बारे में। तो ये तीन हमारे GS पेपर 2 से रिलेटेड है, एक हमारा GS 3 पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो इस तरीके से ओवरऑल आज का हमारा पेपर रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि UPSC की नोटिफिकेशन जो है वो आ गई है, तो अगर आपको फटाफट जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन अभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फटाफट सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, टू दी पॉइंट रिवीजन करना है, उसी के साथ साथ अगर आपने अब तक जो अपना पढ़ाई है वो शुरू नहीं की है और अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मेंस एंड प्रीलिम्स की पढ़ाई करना है, तो सभी पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पर MM Academy ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, मतलब इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया एयरबुक, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एथिक्स, सारे सब्जेक्ट GS 1, 2, 3, 4 आपको वहाँ पर मिलेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने जो कोर्सेस है वो बनाए हुए हैं, जहाँ पर NCERT और जो पर्टिकुलर किताबें होती है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखते हैं
उसमें एनसीईआरटी प्लस रमेश सिंह की किताब जो है वो इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखोगे तो लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी है ना, बासु, इस तरीके से कंबाइंड करके पूरा जो कोर्स है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देन पीडीएफ के थ्रू आप रिविजन जो है वो भी कर सकते हो। आपको एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, देन उसके बाद डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो। मतलब कोई भी कैटेगरी में अगर आप जाओगे उसमें आपको फर्स्ट टू लेक्चर जो है वो डेमो लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो आप डेमो लेक्चर देख सकते हो, देन आप डिसाइड कर सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देन उसके बाद प्रोफाइल में जाइए, देन उसके बाद प्लान जो है परचेज कर सकते हो, एकदम लोवेस्ट प्राइजेस में है, लोवेस्ट प्राइस, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, लोवेस्ट प्राइजेस। मतलब बाकी जगहों पर आपको जितना आपको एक महीने का देना है, यहाँ पर आप एक साल का देके आराम से एक साल तक लेक्चर जो है वो देख सकते हो, एंजॉय करना है कोर्सेज को तो मजा आ जाएगा आपको। और अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज, ऐसा भी हो सकता है अभी 2021 के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उनका ऐसा हो सकता है कि हाँ यार मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री ये सब कंप्लीट हो गया, मेरा पॉलिटी बचा हुआ है ना, या फिर इंडिविजुअल कोई कोर्स बचा हुआ है, तो उसके लिए दूसरा एप्लीकेशन है जो कि एमएम एजुकेशन। अगर आपको पूरे कोर्सेज चाहिए एमएम एकेडमी, अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स चाहिए एमएम एजुकेशन, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए ये आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मतलब पूरी सहूलत मैंने आपको दी हुई है, आपके डिस्क्रिप्शन पावर के हिसाब से आपको जो भी सूटेबल लगता है वो आप कर सकते हो, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं हरियाणा कोटा के बारे में। तो अब सवाल ये निकल कर आता है कि हरियाणा कोटा जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हरियाणा में अभी किया गया है क्या ये संवैधानिक है। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है। तो इसके हम यहाँ पर जो मतलब फीचर्स है प्लस यहाँ पर जो बेनिफिट्स है, क्यों यहाँ पर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, देन उसके बाद इसके जो ड्रॉबैक्स है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे जीएस पेपर टू परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स या मेंस किसी भी एग्जाम में अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन आता है इस पर, तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो लॉ क्या किया गया है ये इंपॉर्टेंट है ना जानना। अब देखिए अर्लियर दिस वीक हरियाणा गवर्नमेंट जो है उन्होंने नोटिफाई किया है नया लॉ। इसमें उन्होंने कहा है कि 75% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है स्टेट में, ध्यान देना एक एक शब्द को, यहां पर क्या बोला गया है 75% कौन से प्राइवेट सेक्टर जॉब, प्राइवेट सेक्टर जॉब, यहां पर पब्लिक सेक्टर नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वाले जॉब जो है वो यहां पर पर्टिकुलर एक सैलरी स्लैब के वो लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगे। आप समझ रहे हो, मतलब यहां पर एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है और उसमें अगर मतलब प्राइवेट कोई कंपनी है और उसमें अगर लोगों की जरूरत है, तो इसमें अगर 100 लोगों की जरूरत है 75 लोग जो है वो उनको लोकल कैंडिडेट्स लेना पड़ेगा हरियाणा के। ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी बात करता है इक्वालिटी की, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इक्वालिटी की। लेकिन कुछ सहूलत जो है हमारे संविधान में दिए गए हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास है ना, विमेन है, बच्चे हैं, तो उनको अगर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़े जिससे कि वो इक्वालिटी के दायरे में आ जाए, तो फिर आप वो कर सकते हो। तो हमारा जो संविधान है रिजर्वेशन की बात करता है क्या? बिल्कुल, हमारा संविधान रिजर्वेशन की बात करता है, लेकिन ये बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब ये बात करता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बात नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वो क्या कर रही है हरियाणा की, कि जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब है उसमें यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कर रही है कि यहाँ पर डोमिसाइल जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा, जो प्लेस है जहाँ वो रह रहा है वो यहाँ पर देखा जाएगा। समझ रहे हो आप, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर हरियाणा में कोई कंपनी में जॉब निकलता है या हरियाणा का है तो हाँ इसको जॉब जो है वो मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आने की कोशिश करता है जॉब के लिए तो उसको मना कर दिया जाएगा कि भैया 75% रिजर्व, 25% ले सकते हो लेकिन 75% वहीं के लोकल्स को देना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर हरियाणा का जो लॉ है वो क्या कह रहा है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 रिक्वायर्ड प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने 75% जॉब जो है वो डोमिसाइल्स के लिए रखना पड़ेगा, मतलब जो उस राज्य में रहते हैं, जो उस राज्य के डोमिसाइल है उनके लिए रखना पड़ेगा अप टू अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर क्या है, अप टू जिनको सैलरी जो है 50,000 रुपये महीना मिल रही है उनके लिए, जिनको 1,00,000 रुपए देना है, हाँ समझ रहे हो आप ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है 50,000 की लिमिट को चेंज भी कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर जो नोटिफाई किया गया है लॉ जो एप्लीकेबल है सभी कंपनीज को, सोसाइटीज को, ट्रस्ट को, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, और कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉय 10 or more persons एंड एन एंटिटी। तो मतलब सभी जगहों पर ये चीज जो है वो लागू होती है कि 75% जो है
ये यहाँ पर आरक्षण रहना चाहिए लोकल्स के लिए, डोमेसाइल के लिए, समझ रहे हो आप। अब हरियाणा क्या ऐसा पहला राज्य है जिसने ऐसी कोई चीज की है रिजर्वेशन के बारे में, डोमेसाइल के बारे में? क्या हरियाणा ऐसा पहला राज्य है? जी नहीं। जुलाई 2019 अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने सिमिलर लॉ पास किया था जो कि कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब कोर्ट में चैलेंज क्यों किया गया आगे देखेंगे। कर्नाटका जो है वो यहाँ पर रिजर्विंग ऑल ब्लू कॉलर जॉब्स फॉर लोकल्स, ऐसा भी यहाँ पर कोशिश मतलब देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश अगर हम देखते हैं तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने जो स्टेट रेसिडेंट्स हैं उनके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी घोषणा की, कि मतलब एमपी पीएससी जो एग्जाम्स होती है उसमें अब जो रेसिडेंट्स हैं वो भाग ले पाएंगे, है ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मतलब कई राज्य हैं, इवन महाराष्ट्र अगर हम देखते हैं तो कई टाइम से उन्होंने डोमेसाइल जो है इसको यहाँ पर लागू किया है कि महाराष्ट्र में एमपीएससी जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए भी, तो कई सारे राज्य जो है उनके द्वारा ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत कम राज्य है जहाँ पर प्राइवेट इसमें भी जो रिजर्वेशन है वो लागू करने की बात की जा रही है या फिर लागू किया जा रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो लीगल इशू आता है भाई साहब, लीगल इशू आता है। मतलब वो तो ठीक है, वो तो छोड़ दो कि एथिकली ये सही है या नहीं, या फिर हमारे भारत के पर्सपेक्टिव से ये सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले तो लीगल इशू आ जाता है। पहला तो क्वेश्चन आता है डोमेसाइल रिजर्वेशन इन जॉब्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डोमेसाइल मतलब एक पर्टिकुलर वो लोकल रहना चाहिए किसी राज्य का। अब देखिए हमारा संविधान अगर हम देखते हैं तो हमारा संविधान कहता है कि आप कहाँ भी जाकर रह सकते हो, है ना, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, हमें स्वतंत्र है। हमारा क्या ऐसा है कि ड्यूअल सिटीजनशिप है क्या यूएसए जैसी, कि हमारे यहाँ पर हम इंडिया के सिटीजन हैं, देन हम यहाँ पर महाराष्ट्र बोलिए, गुजरात बोलिए, आंध्र प्रदेश बोलिए, कर्नाटका बोलिए, ऐसे सिटीजन हैं? जी नहीं, हमें यहाँ पर एक ही नागरिकता मिलती है, वो की मिलती है भारतीय, इंडियन, है ना, इंडिया की। तो हम यहाँ पर इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, एक्सक्लूडिंग कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जैसे इनर लाइन परमिट हो गया, है ना, कुछ ऐसे रीजन्स है, लेकिन बाकी अगर हम देखते हैं तो कहीं पर भी हम जा सकते हैं, कहीं पर भी हम रह सकते हैं। ये सारी जो सुविधा है वो हमें हमारे संविधान के तहत ही मिल रही है, हमारा मूलभूत अधिकार है। अब ऐसे सिनारियो में अगर हम रिजर्वेशन ला देते हैं, ठीक है, डोमेसाइल के बेसिस पर, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो है फोर्सिंग प्राइवेट सेक्टर कि आप रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, हमारा संविधान जो है वो रिजर्वेशन की बात कर रहा है और ये फर्ज है गवर्नमेंट का कि वो इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करे, लेकिन आप यहाँ पर पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें दो ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप दे रहे हो, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की भी तो उनको भी अगर आप फोर्स कर रहे हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर यहाँ पर जो कोई कंपनी है, बराबर है, अब कोई कंपनी है, कंपनी को समझ लीजिए 100 लोगों को हायर करना है, 100 लोगों को हायर करना है। अब वो कंपनी प्रॉफिट मोटिव देखती है कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पर वो कंप्लीटली स्किल्ड ओरिएंटेड देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन लेकर आते हैं, ठीक है, कि उनको 100 लोग चाहिए, अब फर्ज कीजिए ना एक मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि 100 लोग चाहिए और जो जो उनको स्किल चाहिए वो पूरे के पूरे उनको सदर्न स्टेट से मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों से उनको 100 लोग जो उनको स्किल चाहिए वो सिर्फ उनसे मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब उनको मजबूरी है कि 75 लोग जो है वो उनको हरियाणा से ही लेने पड़ेंगे, तो अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाता है। अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो वो अब एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, है ना, क्योंकि उनका तो पूरा प्रॉफिट मोटिव रहेगा, या तो एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, या तो कम लोगों को लेकर सैलरी जो है वो ज़्यादा कर देंगे, जितना गवर्नमेंट थ्रीशोल्ड रखा है वो सैलरी ज़्यादा कर देंगे, 50,000 रखा है तो 60,000 रुपये देंगे, है ना, और यहाँ पर सभी जो है वो बाहर के ले लेंगे। तो ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात नहीं की हुई है, हाँ यहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। तो लीगल इश्यूज जो है ऐसे यहाँ पर निकलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब यहाँ पर जहाँ आप जन्मे हो उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर उस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट जो है उसी का हनन हो रहा है। इवन आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16 बोलिए, सभी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर वायलेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। देन राइट टू मूव फ्रीली, जो हमारा आर्टिकल कहता है राइट टू मूव फ्रीली, ये भी यहाँ पर उसका हनन हो रहा है कि आप कहीं पर भी फ्रीली घूम सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, उसका भी हनन हो रहा है। आर्टिकल 16(3) अगर हम देखते हैं
यहाँ पर डोमेसाइल बेस्ड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, अनेबल पार्लियामेंट, राज्य नहीं पार्लियामेंट, याद कीजिए इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स एमएम एकेडमी ऐप याद कीजिए, उसमें आर्टिकल 16 सब क्लॉज थी, उसमें मैंने डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि पार्लियामेंट जो है दैट इज एम्पावर्ड, राइट। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि कैसे यहाँ पर राज्य जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो बना रहा है, इवन प्राइवेट इसमें प्राइवेट सेक्टर में वहां प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये लीगल इश्यूज निकल कर आते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कोर्ट में जाकर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी जाएगी, तो उसका स्ट्रक डाउन जो है वो किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सब जब गवर्नमेंट को पता है तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये चीज को लाने का। देखिए पब्लिक सेक्टर जॉब जो है ये सिर्फ कुछ प्रपोर्शन जो है सभी जॉब्स के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम ओवरऑल सेक्टर देखते हैं जॉब्स के तो उसमें से बहुत कम हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट जॉब पर जाता है, मोस्ट ऑफ द हिस्सा अगर हम देखते हैं तो ये हमें प्राइवेट जॉब में देखने को मिलता है जहां पर रिजर्वेशन जो है बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। लेजिस्लेटर यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर को, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, यहाँ पर बेसिकली वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इक्वालिटी यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं इतनों से टपके में जहां पर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, लेकिन जो इतना बड़ा टपका है प्राइवेट जॉब्स का उसमें इक्वालिटी की बात नहीं होती है। तो इक्वालिटी पे अगर पहुंचना है तो यहाँ पर भी हमें इक्वालिटी जो है वो देनी पड़ेगी, इसलिए रिजर्वेशन जो है यहाँ पर भी लेकर आ जाए। तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन है प्राइवेट जॉब में तो गवर्नमेंट का अधिकार क्या है, ये आएगा ना मन में कि गवर्नमेंट का क्या अधिकार है, गवर्नमेंट का क्या रोल है कि प्राइवेट सेक्टर को बोलेगी नहीं भैया तुम रिजर्वेशन दो। उसका तर्क ये निकाला गया है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है, जैसे कि सब्सिडाइज अलॉटमेंट ऑफ रिसीविंग क्रेडिट्स है ना, उसी के साथ एक्सेसिंग ऑफ लैंड, पब्लिक बैंक्स, टैक्स एग्जम्पशन, बहुत सारी सब्सिडी जो फ्यूल इस पर आती है, ये सभी उपभोग जो है वो प्राइवेट कंपनीज करती है। अब जब वहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ हिस्से पर प्राइवेट कंपनी जो है वो सर्वाइव कर रही है तो मतलब गवर्नमेंट का अधिकार बन जाता है, गवर्नमेंट जो है वो उसका बाप बन जाता है अपने आप, ऐसा यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है। स्टेट जो है लेजिटिमेट राइट टू एक्वायर देम टू कंप्लाई विद द रिजर्वेशन पॉलिसी, इसलिए यहाँ पर स्टेट जो है राज्य जो है उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो उनको बोल सकते हैं कि भैया आप जो पॉलिसीज है उसका सही सही पालन करो। सिमिलर आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी दिया गया था, प्राइवेट स्कूल्स है ना, प्राइवेट स्कूल उसमें वो उनका देखेंगे, लेकिन उनको भी रिजर्वेशन जो है वो बोला गया, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसके तहत रिजर्वेशन जो है वो बोला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी किया, और यही तर्क जो है वो यहाँ पर भी लगाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई चीज है ही नहीं, आर्ग्यूमेंट करने के लिए भी यहाँ पर तर्क जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये तो स्ट्रक इट डाउन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ बोलने को ही नहीं है, ऐसा नहीं, यहाँ पर बोलने के लिए भी है और एक सिमिलर चीज जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए प्रॉब्लम्स कई हैं अगर यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमने देख लिया तो हमने एक तो इसके जो लीगल इश्यूज है वो देख लिए, प्लस यहाँ पर उसका क्या तर्क हो सकता है वो हमने देख लिया, प्रॉब्लम्स क्या है ये इन जनरल प्रॉब्लम्स है जो कि हम मेंस में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो है काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिनिज्म है, कुटिलता है, इज नाउ नॉट एन एक्सेप्शन बट बिकम कॉन्टेजियन, ये एक छूट बन चुकी है कि हाँ यहाँ पर जो है वो राज्य सरकारें जो है अब सभी यहाँ पर करने लगेगी, सभी यहाँ पर बोलेगी, तो इससे क्या हो जाएगा, हर राज्य अगर ऐसा बोले कि मतलब समझ लो कि महाराष्ट्र है उससे अगर बोल दिया प्राइवेट जॉब में 75% सिर्फ ये रहेंगे, देन उसके बाद बिहार ने वैसा बोल दिया, सभी राज्यों ने अगर ऐसा बोल दिया फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो रीजनलिज्म है वो क्रिएट हो जाएगा, रीजनलिज्म क्रिएट हो जाएगा, इससे क्या होगा जो बाहर के व्यक्ति काम करने के लिए आ रहे हैं उनको अलग निगाहों से देखा जाएगा, अलग नज़र से देखा जाएगा, है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब लोकलिज्म जो है ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, अगर ये स्ट्रक डाउन भी हो जाता है लेकिन फिर भी एक मेंटेलिटी जो है लोकलिज्म की वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, अल्टीमेटली इट कैन लीड्स टू दी ड्यूअल सिटीजनशिप एज वेल, मतलब यहाँ पर नहीं वह हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, ये नहीं हम यहाँ पर भारतीय है, चक दे इंडिया है ना, कि मुझे ना ही राज्यों के नाम सुनाई देते हैं ना ही दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक नाम सुनाई देता है इंडिया, तो ये जो चीज है ये यहाँ पर कहीं खो जाएगी, यहाँ पर कहीं डाइल्यूट हो जाएगी। पेटेंट क्लास डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर रिच हो है ना, प्रिविलेज्ड, हाईली स्किल्ड, यहाँ पर कोई एंट्री बैरियर नहीं है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप गरीब हो है ना, तो यहाँ पर आपको लोअर स्किल्ड माइग्रेंट जो है उनके लिए बैरियर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बिल जो है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एथनिक पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर क्रिएट कर देता है,
अगर ऐसा होता है तो हर राज्य में पॉलिटिशियंस क्या बोलने लगेंगे जब इलेक्शंस आ रहे होंगे तब, कि मैं जो हमारे राज्य के जो युवा है उनकी जो जॉब है उसको प्रिजर्व करने की मैं ये करता हूँ तो मुझे वोट दो। इस तरीके की पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर डेवलप हो सकती है जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा कोटा ये कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, उसी के साथ साथ इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या यहाँ पर गवर्नमेंट का तर्क है, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और आपको भी अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आइए यहाँ पर बात करते हैं इंडिया इज पार्टली फ्री। अब यहाँ पर ये बात क्या है पार्टली फ्री, ये बेसिकली पार्टली फ्री जो है ये ऐसा नहीं है कि किसी और देश ने हम पर कोई रूल कर रहा है, कोई और देश जो है वो सोवर यहाँ पर हमारे सोवरेनिटी को खतरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन होता है ना, वो क्लिक बेट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसी चीज़ें, फिर बहुत सारे लोग जो है वो उस पर क्लिक कर देते हैं वीडियो पर कि क्या खतरनाक चीज़ है इसके अंदर, तो इसलिए लिख दिया है। बेसिकली ये जो चीज़ है ये और कुछ नहीं है, फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट जो है उसकी बात हो रही है। ये बेसिकली देखते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो कितनी फ्री है, वो कम्प्लीटली फ्री है, पार्टली फ्री है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तो ये देखा जाता है डेमोक्रेसी के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पर फ्रीडम इन दी वर्ल्ड, कितना फ्रीडम है उस कंट्री में वो देखा जाए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो स्टेटस है वो पहले फ्री था, क्या इंडिया जो है वो फ्री है, लेकिन अब इसको डाउनग्रेड कर दिया गया है पार्टली फ्री की तरफ। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्लोबल डेमोक्रेसी ओवर दी लास्ट 15 ईयर्स अगर हम देखते हैं तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हमें देखनी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है जो जनता है वो यहाँ पर सोवरन है, जनता जो है वो यहाँ पर सुप्रीम है, वी द पीपल। तो इसलिए जो जनता है उनको कितनी छूट मिल रही है, वो कितने फ्री है, उससे हम तय करते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी सस्टेन्ड है। तो अगर हम देखते हैं ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी जो है वो हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट ने कहा नियरली 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो डिटोरियरेशन फेस कर रही है सिंस लास्ट ईयर। मोस्ट फ्री कंट्रीज जो है दुनिया में स्कोर ऑफ 100 वो है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कंप्लीटली फ्री है। और लीस्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें टिबेट, सीरिया, इस तरह कंट्रीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर फ्रीडम इन साउथ एशिया आप देखिए, इंडिया ये 2020 का है, ये 2021 का है, मतलब यहाँ पर 71, यहाँ पर 67, ठीक है, स्कोर की बात हो रही है, कम हो गया है स्कोर। भूटान अगर हम देखते हैं तो 59, 61, श्रीलंका अगर हम देखते हैं 56, 56, नेपाल अगर हम देखते हैं 56, 56, मालदीव्स 40, 40, बांग्लादेश 39, 39, पाकिस्तान कम हो गया है, अफगानिस्तान सेम है, इस तरीके का स्कोर देखने को मिल रहा है। अब फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2021 इंडिया अगर हम देखते हैं तो 67 ऑफ 100 इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और पार्टली फ्री में डाला गया है। पॉलिटिकल राइट्स अगर हम देखते हैं 34 ऑफ 40 एंड सिविल लिबर्टीज अगर हम देखते हैं 33 ऑफ 60, ठीक है। लास्ट ईयर का स्कोर और स्टेटस अगर हम देखते हैं तो 71 ऑफ 100 था, मतलब फ्री जो है उस कैटेगरी में इंडिया हमें देखने को मिलता था। अब रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में तो ठीक है आपको स्कोर, रैंक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, कौन निकालता है ये पूछा जाता है, लेकिन मेंस में अगर आप पूछोगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं, ये भी आपको सवाल पूछा जाता है। यूएसए बेस्ड ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग फ्रीडम हाउस, ठीक है, लार्जली फंड होता है थ्रू यूएसए गवर्नमेंट ग्रांट्स, वो ट्रैक करता है कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी सिंस 1941, तब से वो देख रहा है, मतलब हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी तब से वो देख रहा है। अब स्कोर जो है वो कौन सी चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, सबसे पहले तो होता है पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, इंडिकेटर्स, इसमें इलेक्ट्रल प्रोसेस बोलिए, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म बोलिए, पार्टिसिपेशन बोलिए, गवर्नमेंट फंक्शनिंग बोलिए, ये सारे इंडिकेटर्स देखे जाते हैं पॉलिटिकल राइट्स में। देन उसके बाद सिविल लिबर्टीज आती है कि सिविल जो लोग हैं उनको कितनी छूट यहाँ पर है, कितना फ्रीडम यहाँ पर है, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ देखा जाता है, एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स देखे जाते हैं, रूल ऑफ लॉ देखा जाता है, पर्सनल ऑटोनॉमी देखा जाता है, इंडिविजुअल राइट्स देखे जाते हैं। कंट्री जो है इनके बेसिस पर, ये जो इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं तो इसके बेसिस पर जो भी स्कोर आता है उसके बलबूते पर फ्री, पार्टली फ्री या नॉट फ्री, इस तरीके से यहाँ पर कंट्रीज को रखा जाता है। अब अगर आप देखोगे तो फ्री की जो कैटेगरी है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हमें देखने को मिल रही है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ सकता है कि जो फ्री कंट्रीज है उनका हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है एज पर दिस रिपोर्ट, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। आप देखिए 2005 में 89, देन 87, देन 86, देन 82। पार्टली फ्री अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का ट्रेंड हमें देखें, नॉट फ्री अगर हम देखते हैं तो देखिए कितना इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, मतलब नॉट फ्री कंट्रीज की जो ट्रेंड है वो यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। ये जो ट्रेंड है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया स्कोर जो है 67 ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 71 लास्ट ईयर से, और यहाँ पर डाउनग्रेड जो है कैटेगरी का वो भी कर दिया गया है। रीज़न क्या है इंडिया के फॉल का, तो कई रीजंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल हमें 6 रीजंस जो है वो देखने को मिलते हैं।
ये छह रीजंस आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो है फ्रीडम ऑफ मीडिया, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रेस फ्रीडम है उस पर काफी अटैक जो है वो किए गए है ना, डेमोक्रेटिकली बोलिए, बहुत सारी जगहों से बोलिए, मतलब जो सिक्योरिटी है, डिफेमेशन है, सेडिशन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ है, ये यहाँ पर मीडिया वॉइसेस को रोकने के लिए इस्तेमाल काफी ज्यादा किया गया है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं हिंदू नेशनलिस्ट इंटरेस्ट जो है एलिवेशन, उसका हमें देखने को मिला है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर्स यहाँ पर हिंदू नेशनलिस्ट इंटरेस्ट जो है एट द एक्सपेंस ऑफ फाउंडिंग वैल्यूज ऑफ इक्वल राइट्स, उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देन इंटरनेट फ्रीडम अगर हम देखते हैं, इंटरनेट का तो हमको पता है कि कितना ज़्यादा इंटरनेट जो है वो बैन किया गया, कितना ज़्यादा इंटरनेट जो है वो बंद किया गया। इंटरनेट से क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो आपका कर्टेल हो रहा है, तो बेसिकली सही है कि हमारा उसमें रैंक जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया इंटरनेट फ्रीडम स्कोर जो है वो ड्रॉप हुआ है जस्ट 51, समझ रहे हो आप कितना कम हुआ है। देन उसके बाद कोविड रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स जो है कोविड-19 जिसमें यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो हमें देखने को मिला, देन लॉकडाउन जब हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स है उनका यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, तो ये हमें देखने को मिला है ना। और उसी के साथ साथ मुस्लिम जो है उनको डिसप्रोपोर्शनेटली ब्लेम किया गया था ऐसा बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रैकडाउन जो है प्रोटेस्टर्स पर वो देखने को मिला, गवर्नमेंट ने इंटेंसीफाई किया उसका क्रैकडाउन प्रोटेस्टर्स पर, जो यहाँ पर सिटीजनशिप लॉ जो है उसको मतलब ये कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे, तो वो यहाँ पर देखने को मिला। देन लॉज जो है, जैसे उत्तर प्रदेश का जो लॉ है फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, ये हमें देखने को मिलता है, इससे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो रही है। तो ये बेसिकली हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्कोर है वो यहाँ पर नीचे गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। देन यहाँ पर एंडिंग द वॉर इन येमेन, ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉर जो है येमेन में वो खत्म करना कितना ज़रूरी है, वॉर यहाँ पर चल क्यों रहा है, येमेन में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इससे क्योंकि हम जो ऑयल है वो मिडिल ईस्ट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी काफ़ी इसका असर पड़ता है ना, तो इसलिए ये इंडियन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कंट्रीज है कहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में चल रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट जो काफ़ी अनस्टेबल है ही, यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया जो है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है येमेन, यहाँ पर आपको ओमान देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है, और यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिल्कुल पट्टी नहीं है, है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे येमेन में क्या है, येमेन में जो गवर्नमेंट है वो है सऊदी अरेबिया बैक, मतलब सऊदी अरेबिया जो है उन्हीं की गवर्नमेंट है येमेन में, ऐसा समझ लो आप समझने के लिए, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। अब यहाँ पर दूसरा एक जो हम बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप है जो यहाँ पर जो सरकार है येमेन में जो बैक की जा रही है सऊदी अरेबिया के द्वारा उनके अपोज में यहाँ पर लड़ रहा है। अब ये जो हमें ग्रुप देखने को मिलता है इसको बैक कर रहा है ईरान, ठीक है, अब वो वहाँ पर शिया एंड सुन्नी मुस्लिम जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, और इसी की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है इन दोनों कंट्रीज में चलता रहता है। अब इसमें ऐसी भी दो कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है, बाकी पूरी दुनिया ही जो है वही इन्वॉल्व है, ऐसा समझ लो आप। क्या हो रहा है यहाँ पर, सऊदी अरेबिया जो उसको अब तक यूएसए जो है वो बैक कर रहा था, यूएसए और ईरान की नहीं पड़ती है ना, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि येमेन को कंट्रोल कौन कौन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट हादी जो है उसके लॉयलिस्ट यहाँ पर आपको रेडिस में नजर आएंगे, ठीक है, रेडिस में पूरे उसी के लोग हैं वो नजर आएंगे, और हादी अगर आप देखते हो तो ये बैक्ड है सऊदी अरेबिया से, ठीक है, सऊदी अरेबिया जो उसका पूरा सपोर्ट इसको मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हाउदी हमें देखने को मिलते हैं, हाउदी जो है यहाँ पर ये वाला रीजन जो है ग्रीन वाला रीजन ये यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सना वाला जो रीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है ये पूरा कंट्रोल किया जाता है हाउदी जो ग्रुप है उनके द्वारा। ये जो हाउदी ग्रुप है इनको ईरान जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये अलकायदा ये सब तो ठीक है अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन इस तरीके से जो कंट्रोल है वो हमें देखने को मिल रहा है। दो मेन जो पोर्शन है, एक तो ये गवर्नमेंट वाला एंड देन ये हाउदीज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है, याद रखिए अच्छे तरीके से। अब यूएसए ने एक डिसीजन यहाँ पर लिया है, यूएसए ने डिसीजन क्या लिया है, यूएसए ने मतलब जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ये बोला गया है कि वो यहाँ पर यूएस का जो सपोर्ट है सऊदी अरेबिया को 6 ईयर्स लॉन्ग वॉर ऑन येमेन ये यहाँ पर अब बंद कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर
यूएसए और ईरान की बिल्कुल नहीं पट्टी है, यूएसए और सऊदी अरेबिया की पट्टी है ना? क्योंकि वही होता है कि भैया है दो दुश्मन, तू मेरा दुश्मन मैं तेरी दुश्मन, जमाना देखेगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है, सऊदी अरेबिया जो है उसको बैक कर रहा था यूएसए, एंड ईरान जो है उसको बैक कर रहा था, वो बैक कर रहा था हाउदीज को। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा था कि यूएसए जो है एक कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर यूएसए और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था एक्चुअल टर्म्स में अगर देखा जाए तो। और नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान यहाँ पर हो रहा है सऊदी अरेबिया का और यमन का। इस तरीके से हमें चीजें जो है वो देखने को मिल रही है, समझ रहे हो आप? मतलब होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक आईएएस ऑफिसर और मंत्री में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आईएएस ऑफिसर और मंत्री में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पीस रही बेचारी जनता। तो ऐसी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने यूएसए ने बोल दिया कि हम अब यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने जो वेपन का सेल है सऊदी अरेबिया को वो अब यहाँ पर पूरा हॉल्ट कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है कि अब यहाँ पर जो वॉर है क्या वो खत्म होगा, ये एक आकांक्षा जो है वो लगाई जा रही है यहाँ पर। अब वॉर जो है येमेन में वो बेसिकली है क्या, वॉर जो चल रहा है देखिए सिंस 2014, ये अभी चल रहा है क्या, नहीं काफी साल हो गए इसको। सिंस 2014 येमेन जो है मल्टी साइडेड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर फेस कर रहा है, मतलब येमेन की अगर आप हालत देखोगे तो इतनी बुरी हो चुकी है, वो मल्टी साइडेड कॉन्फ्लिक्ट जो है फेस कर रहा है, जिसमें लोकल्स, रीजनल, इंटरनेशनल एक्टर्स सभी इन्वॉल्व है। लोकल्स है ना, लोकल्स अगर आप देखोगे तो मतलब वहीं के जो लोकल्स है, जो गवर्नमेंट के हैं और हाउतीस है, देन उसके बाद रीजनल अगर आप देखोगे तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इंटरनेशनल एक्टर्स, यूएसए, ईरान, ये सभी इन्वॉल्व है। अब इसमें हाउतीस जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ग्रुप है जायदी शिया मुस्लिम का। अब देखिए शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम, इनके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी से छुपे नहीं है, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो है देशों में बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अब ईरान अगर आप देखोगे तो शिया है ना, तो वो यहाँ पर जो हाउतीज है ये शिया है, तो इनको ये क्या कर रहा है, इनको यहाँ पर कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया अगर आप देखोगे तो बट ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो उनके साथ होना ही है ना? तो अगर आप देखते हैं हाउदीज शिया मुस्लिम है जिन्होंने किंगडम को रूल किया था नियरली फॉर 1000 ईयर्स, इसलिए उनको यहाँ पर जो सरकार आई है उनका बिल्कुल रवैया जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, जो बैक्ट है सऊदी अरेबिया से। इसलिए उन्होंने अपना जो एंगर है अगेंस्ट प्रेसिडेंट हादिस डिसीजन कि उन्होंने लॉन्ग अवेटेड इलेक्शन जो है उसको पोस्टपोन कर दिया, देन उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नई कॉन्स्टिट्यूशन है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये यहाँ पर निगोशिएशन में काम नहीं किया। तो इससे काफी खफा होकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर मार्च किया और उसी के साथ साथ स्ट्रांग होल्ड जो है सडा प्रोविंस टू कैपिटल सना ये यहाँ पर उन्होंने ले लिया, और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसको यहाँ पर पूरा कब्जा कर लिया, और हादी जो है उसका हाउस अरेस्ट जो है उसमें डाल दिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हाउदी जो है उन्होंने जो मेन इलाका है सना वाला, ये वाला इलाका जो है ये पूरा अपने अंडर में ले लिया, और उसी के साथ हादी जो है उसको यहाँ पर क्या किया, हाउस अरेस्ट में डाल दिया। लेकिन कैसे, जैसे जो हादी है वो अपना ये छुड़ा कर सऊदी अरेबिया जो है वहां पर भाग गया था। तो इस तरीके की सिनारियो जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मिलिट्री कोएलिशन जो है लेड बाय सऊदी अरेबिया यमन में इंटरवीन करता है, ठीक है, हादी की रिक्वेस्ट पर कि यार देखो मेरे को बचा लो, आप ही के बोलने पर तो मैं यहाँ पर बना हूँ, ऐसा वैसा हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद हाउदीज जो है उन्होंने यहाँ पर पूरा साउथ जो है उस पर कब्जा कर लिया, देन उसके बाद जो गवर्नमेंट का स्ट्रांग होल्ड है एडन पर, उस पर भी यहाँ पर जो अपना होल्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो एडन, उस पर भी अपना जो होल्ड है वो यहाँ पर वर्चस्व जो है वो बना लेते हैं। मतलब ये जो इलाका है, ये जो मेन इलाका है, इस पर पूरा का पूरा हाउदी जो है उनका यहाँ पर वर्चस्व देखने को मिलता है, और इसी के तहत यहाँ पर जो वॉर है सऊदी अरेबिया के साथ कंटिन्यू देखने को मिलती रहती है। वो कभी बॉम्ब फोड़ेंगे, ये कभी बॉम्ब फोड़ेंगे, है ना? आपको याद है अभी पिछले साल ही जो ऑयल का है वो पूरा उड़ा दिया था, जिससे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस किया गया था अरकोम वाला, याद है ना? तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यमन में अगर हम क्राइसिस देखते हैं तो सिर्फ सऊदी हाउदी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे डायमेंशंस है, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन है, देन सिविल है, जियो पॉलिटिकल है ना, सेक्रेटेरियन है, काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। सऊदी अरेबिया यूएई अलाइज थे वेंट टू यमन मार्च 15 क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव था उनका यहाँ पर, जो सऊदी अरेबिया है यूएई है उनका क्या ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर, कि यहाँ पर हाउदीज जो है जो बैक्ड है ईरान के द्वारा, हाउदीज को कौन बैक कर रहा है, ईरान, शिया शिया है ना, हाउदीज को बैक कर रहा है ईरान, तो उनको यहाँ पर जो सना कैपिटल है उसे पूरा का पूरा उखाड़ कर फेंक देंगे बाहर। उसके तहत क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो हादी है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल में बिठा लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर यूएसए सपोर्ट कर रहा है, दोनों के पास आर्म्स एंड एनिमेशन है, दोनों यहाँ पर एक दूसरे पर अटैक जो है वो करते रहते हैं, और अटैक यहाँ पर करने के तहत यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जो जनता है उनका यहाँ पर नुकसान हो रहा है
है ना, इसलिए ये जो कैंपेन यहाँ पर इन्होंने किया था कि इसका हाउदीज को निकाल कर फेंक देंगे, वो कम्प्लीटली फेलियर रहा, क्योंकि जो हाउदीज है उन्होंने अपने आप को काफी एनरिच कर दिया, उन्होंने अपने आप को काफी सक्षम बना लिया यहाँ पर मिलिट्री और इकोनॉमिक चैलेंजेस रहने के बावजूद। क्यों? क्योंकि ईरान जो है उनका कम्प्लीटली सपोर्ट यहाँ पर उनको हमें देखने को मिल रहा था, प्लस दूसरी भी कंट्री जो है वो भी इन्वॉल्व यहाँ पर रहती है। अब देखिए, इसके वजह से ह्यूमन लॉस जो है काफी ज्यादा हुआ है, काफी ज्यादा हुआ है। वॉर जो है उसने ओवर 10,000 लोग जो है उनको यहाँ पर मारा है ना, और जो कंट्री उसको फेमाइन में लेकर आ गए, पूरा दुष्काल हमें देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू यूएन 50,000 यमनीज जो है वो स्टार्विंग हो रहे हैं टू डेथ, एंड 16 मिलियन जो है वो हंगरी में मतलब भूखे चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक। इतने लोग यहाँ पर भूखे चले जाएंगे, 16 मिलियन, आप समझ रहे हो, 16 मिलियन लोग, सोचो आप, ठीक है। वो डिपेंडेंट है ऑन द फूड असिस्टेंस टू सर्वाइव। यहाँ पर जो यमन में अगर हम लोगों की बात करते हैं, फूड असिस्टेंस पर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर उनको फूड असिस्टेंस मिलता है, अगर उनको खाना आता है तो खा पाते हैं, अगर नहीं आ पाता है तो नहीं खा पाते हैं। अब वॉर जब चलता है तो कैसे उनको खाना लाएगा, कौन खाना ला कर देगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है ना, है ना। इसलिए वॉर जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट बना देता है कि वो कंट्री में जो भी ग्रुप्स है जिनको उनकी मदद करनी है वो ऑपरेट कर पाए। बहुत सारे लोग जो है प्रिवेंटेबल डिसीजेज की वजह से भी मर रहे हैं, जो डिसीज ऐसे डिसीज जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं, लेकिन उसके वजह से भी मर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एसेंशियल मेडिसिन जो है वो वहाँ पर उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे ह्यूमन लॉसेज जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अभी नीड ऑफ द आवर क्या है, क्या किया जाना चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या किया जाना चाहिए। इमीडिएट फोकस जो है वो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है यमन में उस पर रहनी चाहिए कि भैया छोड़ो यार, वॉर कोई मतलब नहीं है, आप एक दूसरे से लड़ते रहोगे पावर के लिए, लेकिन जो जनता है वो भूखी मर रही है यहाँ पर, जो जनता है उनका अस्तित्व मिट रहा है यहाँ पर, तो राज किस पर करोगे, रूल किस पर करोगे। इवन लिमिटेड ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकता है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको फाइट करने के लिए। सऊदी जो उन्हें खुद को पूछना चाहिए कि ये यहाँ पर कंटिन्यू अपनी जो फेल्ड स्ट्रेटेजी रह रही है, क्योंकि इतनी कोशिश कर रहे हैं हाउदीज को हटाने की, इतने सालों से कर रहे हैं लेकिन कर पाए क्या, नहीं कर पाए, तो मतलब फेल्ड स्ट्रेटेजी रही है उनकी। तो ये जो फेल्ड स्ट्रेटेजी है क्या ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं और यमन की जो सिचुएशन उनको खराब करना चाहते हैं, जो जनता है उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। और इफ दे वॉन्ट इंटरनेशनल लिजिटिमेसी तो उन्होंने यहाँ पर फाइट करना रोक देना चाहिए, और जो स्टेक होल्डर्स है, बाकी स्टेक होल्डर्स है उनको इन्वॉल्व करके यहाँ पर अच्छे तरीके से बातचीत जो है वो करनी चाहिए, पीस जो है वो यहाँ पर लाना चाहिए। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने यहाँ पर जो ब्लॉकेड है उसको लिफ्ट करना, प्लस यहाँ पर जो भी कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करना, जिससे कि जो सीज फायर है वो यहाँ पर हो सके, जो यहाँ पर बातचीत है वो यहाँ पर हो सके, इसी से निवारण जो है वो निकला जा सकता है। एक बार अगर सीज फायर हो जाता है दोनों के बीच में तो यूएसए और उसके रीजनल अलायंस जो है वो यहाँ पर मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर यमन के जो फ्यूचर है उसको डिस्कस किया जा सकता है कि इतनी जो समस्याएं चल रही है, इतना जो लॉस हुआ है उसको हम कैसे फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। समझ गया? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यमन वॉर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी, प्लस यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए ये भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से इस पर सवाल आता है मेंस में, तो आप इजीली उसका जवाब दे सकते हो। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 के बारे में, ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 की ये यहाँ फॉर्मुलेट की गई है बाय द ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट पर। तो ये न्यूज़ आर्टिकल है, ये एडिटोरियल नहीं है। साइबर सिक्योरिटी जो है ये यहाँ पर साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना, जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फ्रॉम अटैक, डैमेज, मिसयूज, इकोनॉमिक, ये क्या है कि जो भी वायरसेस आते हैं ये सब हार्मफुल रहते हैं, ये सब के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इंडिया की 3-tiered ऑर्गेनाइजेशन है, ओवरसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी एंड सिक्योरिटी इशूज ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसर्न। इसमें अगर आप देखोगे इंडिविजुअल जो फोटोज वगैरह डालते हैं उसका मिसयूज होता है ना, जो गवर्नमेंट है उनके कंप्यूटर को हैक कर दिया जाता है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है उससे फाइट करने के लिए। आपके गवर्नमेंट के साइबर को लेकर कोई इनिशिएटिव्स है या नहीं है? बिल्कुल है, आपको मेंस में क्वेश्चन आता है ना, डिस्पाइट वेरियस मेजर्स बाय द गवर्नमेंट इन साइबर सिक्योरिटी स्टिल वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस, सम प्रॉब्लम्स, हाउ टू रिजॉल्व दैट, ऐसे आपको मेंस में क्वेश्चन आता है। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से वो भी आपको पता रहना चाहिए। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल साइबर पॉलिसी 2013, ये सारे पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है साइबर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बचने के लिए। अब ये जो यहाँ पर लाई गई है ये क्यों लाई गई है? ताकि साइबर अवेयरनेस जो है, साइबर सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सके, है ना।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर केयरफुली जो भी फीचर्स है उसको अच्छे तरीके देख कर जो भी यहाँ पर चेंजेस हमें चाहिए उसको ला सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे देयर विल बी टेबल टॉप साइबर क्राइम मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मतलब यहाँ पर रेगुलरली जो भी अटैक्स होते हैं उसको यहाँ पर देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसको रेटिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सेपरेट बजट जो है साइबर सिक्योरिटी का वो भी यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है उसके लिए सेपरेट बजट हम देंगे, पैसा अलोकेट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिक्योर करना है हमें नेशनल साइबर स्पेस को, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे तो लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ये हमें देखने को मिला, सप्लाई चेन सिक्योरिटी चाहिए, है ना, देन डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी उसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हैक हो सकती है ना, स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी रहती है। देन उसके बाद यहाँ पर सिनर्जाइज करना है हमें जो रिसोर्सेस यहाँ पर कोऑपरेशन कोलैबोरेशन के लिए चाहिए, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो साइबर डिप्लोमेसी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, इंटरनेट स्ट्रक्चर, ये सब हमें डेवलप करना पड़ेगा। देन स्ट्रेंथन, हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर, लोग, प्रोसेस, कैपेबिलिटीज, इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रेंथन करना, ऑडिट एंड इंश्योरेंस, इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आप मेंस में इस सिनारियो में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर आप ज़रूर कीजिए एंड MM Academy ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।